मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, सबको गुड मॉर्निंग। एक समय की बात है, एक बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे के साथ गार्डन की बेंच पर बैठा था। वो जिस बेंच पर बैठे थे उनके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। जैसे मेरे पास बड़ा सा पेड़ है, छोटा सा नीम का, तो ऐसे एक पेड़ था। बूढ़े पिता ने देखा कि एक पक्षी उस पेड़ पर बैठा है। तभी उसने अपने बेटे से पूछा कि वो क्या है। बेटे ने तुरंत जवाब दिया, वो तोता है। फिर बूढ़े पिता ने अपने बेटे से पूछा, वो क्या है। बेटे ने फिर जवाब दिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, वो तोता है। थोड़ी देर का समय बीता। कुछ देर बाद पिताजी ने फिर पूछा, बेटा वो क्या है। बाद में गुस्से में बच्चा बोला, मैंने कहा ना वो तोता है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता। पिताजी बोले, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, जब तुम 3-4 साल के थे, यहीं पर इसी जगह तुमने मुझसे ये प्रश्न 100 बार से भी ज़्यादा बार मुझसे पूछा था, और मैंने हर बार तुम्हें बड़े प्यार से गाल में किस करते हुए बताया था, बेटा ये तोता है। और तुम तो तीसरी बार में ही नाराज हो गए। तो मेरे प्यारे लाडलो, ये हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारे सहारे हो जाते हैं, तो इन पर नाराज ना हो, ये सोचें कि इन्होंने भी हमारे साथ न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे। तो ये क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इन्हें प्यार से अपनाओ, अपनी जिम्मेदारी को प्यार से निभाओ, इन्हें प्यार दो, सम्मान दो। और मेरे लाडलो, थोड़ा सा प्यार देकर देखो, थोड़ा सा सम्मान देकर देखो, माता पिता का रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देगा। कहते माता पिता के हृदय से निकली हुई दुआएं जन्म जन्मांतर तक हमारी रक्षा करती हैं। तो अपने घर को स्वर्ग बनाना हमारे अपने हाथ में है। आज बेटा इनसे नाराज होते हैं तो कल क्या हम बूढ़े नहीं होंगे। हम भी तो बूढ़े होंगे, हम भी तो हाथ पैर से लाचार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाई सब बच्चों को टाटा बाय बाय, सबका दिन मंगलमय हो।